हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीपालीस ब्लॉग्स में। तो यहाँ पर चल रही है न्यू बॉर्न बेबी के वेलकम की तैयारी। और आज मेरी भाभी और भतीजा घर आ रहे हैं हॉस्पिटल से, तो बस हम उन्हीं लोगों के वेलकम की तैयारी कर रहे हैं। और मेरा गला बहुत ख़राब हो गया है, क्योंकि जब से हम देहरादून से आए हैं तो यहाँ पूरा मौसम चेंज है। वहाँ पर थोड़ा ठंडा रहता है मौसम, यहाँ पे बहुत गर्मी है। तो एसी के चक्कर में थोड़ा सा मेरा भी गला ख़राब हो चुका है। उन्नति की भी हालत डाउन है, तो इसी चक्कर में बस थोड़ा सा बस मैनेज करिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने वेलकम की तैयारी कर ली है, गेट अच्छे से डेकोरेट कर दिया है और फ्लावर से अच्छे से हमने डेकोरेशन कर दी है। और थोड़ी देर में बस वो लोग आने ही वाले हैं, तो फटाफट हम लोगों ने नीचे भी पूरी तैयारी कर ली है, ऊपर भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर दिया है जहाँ पर भाभी को और भतीजे को लिटाया जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोगों ने सुबह से लगे हुए हैं बस इसी चक्कर में कि थोड़ा सा डेकोरेशन करना है। तो चलिए मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ, फिर ऊपर का दिखाती हूँ आपको कि ऊपर हम लोगों ने कैसे डेकोरेशन की है, थोड़ी बहुत जो भी की है। तो ये देखिए, हमने पूजा की थाली बना ली है वेलकम के लिए। इसमें हमने फ्लावर से डेकोरेशन की है और थोड़े से चावल रखे हैं, सिंदूर रखा है और दीपक बना लिया है। तो बस यहाँ भी पूजा की थाली भी तैयार है इन लोगों के लिए, और लोटे में जल ले लिया है हम लोगों ने। तो अब यहाँ चलिए मैं ऊपर लेके आई हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, हमने ये जो सिल्वर वाले फॉइल वाले जो कर्टन होते हैं, और ये रूम भी हमने डेकोरेट कर दिया है बलून से, और इनका बिस्तर भी लग गया है भाभी का। और यहाँ पर ये लोग आ चुके हैं, तो कार से हमारी भाभी जी उतर रही हैं हमारे प्यारे से भतीजे को लेके। तो आप लोग इन्जॉय करिए कि हम लोग कैसे इनका वेलकम करते हैं, क्या क्या करते हैं, और कैसे हम अपने बाबू का स्वागत करते हैं छोटे से राजकुमार का। तो चलिए आप लोग बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। और बहुत सारी वीडियोस को मैं लाने वाली हूँ अच्छी अच्छी, तो बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर बड़ी वाली जो दीदी हैं, उन्होंने बाबू के तिलक लगा दिया है, और मम्मी कह रही हैं थोड़ा थोड़ा लगाना, हल्का सा लगाना। तो वो कह रही हैं हाँ मम्मी, हल्का सा ही लगाएंगे, हमें पता है कि वो अभी छोटा सा है। तो इन्होंने यहाँ पे तिलक लगा दिया है, फिर भाभी के तिलक कर रही हैं। और दीदी ने ही स्टार्टिंग की, क्योंकि हम चारों भाई बहनों में वो सबसे बड़ी हैं, तो सबसे पहला हक उन्हीं का बनता है, तो इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग की है। तो यहाँ पर सब फूल बरसाए जा रहे हैं और आरती उतारी जा रही है नन्हे से राजकुमार की। और देखिए यहाँ पर ये भाभी जी हमारी थोड़ी सी इमोशनल हो गई हैं, थोड़ा सा अपना जो उनके आंसू निकल आए हैं और हम सब लोगों के भी आंसू निकल आए थे, क्योंकि बहुत ही इमोशनल मोमेंट था ये। क्योंकि हम लोगों को बहुत दिन से वेट था इस चीज़ का कि कब हमारे घर में भी नन्ना मुन्ना मेहमान आएगा और हमें बुआ बुआ कह के बुलाएगा। तो बहुत ही इमोशनल टचिंग मोमेंट हैं ये सारे, तो बहुत ही इमोशनल हो गई थी शिखा भी, मम्मी पापा सभी बहुत इमोशनल हो गए। तो बस अब हम लोग भी टीका कर रहे हैं अपने भतीजे का, मैंने और जो दीदी है मेरी बीच वाली, उन्होंने भी टीका किया। फिर हम सब लोगों ने उसका अच्छे से स्वागत किया है, आरती उतारी है, सबको मिठाई खिलाई है। तो यहाँ पर हम अपने नन्हे से राजकुमार के ले रहे हैं पैरों के निशान। तो यहाँ पर मैंने आलता लगा रखा है उसमें प्लेट में, और उसके पैरों पर लगा के दीदी ने एक प्लेन कपड़ा ले लिया है, उस पर हम लोगों ने इसके पैरों के निशान लिए हैं
और छोटे छोटे से बहुत क्यूट से लग रहे हैं, बहुत ही क्यूट से लग रहे हैं। और ये जो मोमेंट होते हैं ना, कभी इनको हम भूल नहीं सकते। तो यहाँ पर हमने अपने भतीजे को लिटा दिया है ऊपर लाके, और आराम से उनके हाथ पैर फैल रहे हैं, थोड़ा सा रो भी रहे हैं, खेल रहे हैं। और यहाँ पे सब बच्चे उसे घेर कर खड़े हुए हैं कि बस हम अभी इसे गोदी ले लें और अच्छे से खिला लें गोदी में लेके। तो बस हम लोग मना कर रहे थे कि नहीं, टच नहीं करना, दूर से देखना, बस छूना नहीं उसे। तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं उसे लेके। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।